गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है रचना के आधार पर वाक्य रूपांतरण। सबसे पहले हम करते हैं वाक्य रचना। भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई जो संपूर्ण अर्थ देने में सक्षम होती है वाक्य कहलाती है, जैसे पानी बरस रहा है। वाक्य के दो अंग हैं, नंबर एक उद्देश्य और नंबर दो विधेय। उदाहरण हमारा, उदाहरण अनुराग पढ़ते पढ़ते सो गया। इसमें अनुराग क्या है बच्चों? उद्देश्य। और पढ़ते पढ़ते सो गया वो क्या है? विधि। अब हम करते हैं रचना के आधार पर वाक्य के तीन भेद हैं, नंबर एक सरल वाक्य, नंबर दो संयुक्त वाक्य और नंबर तीन मिश्र वाक्य। सरल वाक्य, सरल वाक्य में उद्देश्य एक या एक से अधिक हो सकते हैं, लेकिन विधेय जो है वो केवल एक ही हो सकता है। उदाहरण, नेहा कपड़े धोती है। इसमें क्या है बच्चों? एक उद्देश्य है और एक विधेय है। नेहा और किरण कपड़े धोती हैं। इसमें क्या है? दो उद्देश्य, लेकिन विधेय जो है वो एक ही है। दूसरा क्या है हमारा? संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य में दो वाक्यों को योजकों के द्वारा जोड़ा जाता है। और जैसे उदाहरण, मैं लिख रहा हूँ और तुम पढ़ रहे हो। यानी कि और जो है इसमें योजक है, योजक के द्वारा दो वाक्य जोड़े गए हैं, लेकिन दोनों वाक्य जो एक दूसरे पर आश्रित नहीं हैं। कुछ योजक हैं और, किंतु, परंतु या इसलिए क्योंकि, जो हमें दो वाक्यों को जोड़ते हुए बीच में लगाने हैं। नंबर तीन क्या है? मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य में भी कुछ योजक हैं जो दो वाक्यों को आपस में जोड़ते हैं। वो योजक हैं कि, यदि, अगर, तो, तथापि, यद्यपि, जैसे, वैसे, जब, तब। इस तरह से दो वाक्यों को जोड़ा जाता है। जिस प्रकार वाक्य हमारे पास, पौधे लगाकर माली चला गया। अभी इस वाक्य को मिश्र वाक्य बनाना है। जब माली ने पौधे लगा दिए तब वह चला गया। ये थे हमारा वाक्य के आधार पर, रचना के आधार पर वाक्य भेद।